इस प्रकार के सारे संस्था अध्यक्षों में एक मत से एक सहमति से इन्होंने स्वीकृति दे दी है और स्वीकृति में कहा है कि भाई हम आपके इस बात पे ये क्या आपका अहंकार में आ गई है 20 साल से MLA रह गई तो अब क्या है कि अहंकार सब करके बोल रहा है तो गणतंत्र में अहंकार नहीं चलता है डेमोक्रेसी में तानाशाही नहीं चलती है तो ऐसे तानाशाह को समझ सकते DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस ऑनलाइन एडमिशन ओपन विजिट dpsajmer.in। अजमेर माली समाज के विभिन्न संस्था के पदाधिकारियों से फोन पर बातचीत के बाद में दक्षिण विधायक माननीय अनीता बदेल द्वारा राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के लिए जो अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया है उसके विरोध में समाज का जो आक्रोश है उसको जाहिर करने के लिए मीटिंग रखी है जिसमें नीतिगत निर्णय लिया गया है। समाज के लगभग सभी रजिस्टर्ड संस्थाओं के संस्था अध्यक्षों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समाज के यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उसको ध्यान में रखते हुए जब तक सार्वजनिक रूप से दक्षिण विधायक माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक समाज के कार्यक्रमों में दक्षिण विधायक माननीय अनीता बदेल का को बुलाया नहीं जाएगा, उनको प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है, अगर वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लेती हैं तो बात अलग है, बाकी अगर वो सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना नहीं करेंगी तब तक सामाजिक कार्यक्रमों में उसका बहिष्कार किया जाएगा। आपका समाज नहीं बुलाएगा और भी समाज नहीं बुलाएगा उनको? नहीं, केवल हमारे माली समाज के द्वारा ये निर्णय लिया है और माली समाज के जितने भी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उन सभी संस्था अध्यक्षों के द्वारा जो निर्णय लिया गया है सब पे टेलीफोन पे दूरभाष से बातचीत करने के उपरांत ये निर्णय लिया गया है। और नहीं मांगती मैडम माफी तो आप आगे क्या रहेगी? तो बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा और आने वाले जो चुनाव हैं चाहे निकाय चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो डेफिनेटली देखो माली समाज का बहुत बड़ा तबका दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में रहता है क्योंकि दोनों प्रतिनिधि चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के दोनों कोली समाज से रहते हैं और उनके वोट बढ़ जाते हैं तो जाहिर है कि माली समाज का जो वोट है वोट बैंक है उसके आधार पर ही मैडम जीतती आई है और 20 साल से लगभग वो जीतती आई है और माली समाज ने इनको अभूतपूर्व स्नेह और प्रेम दिया जिसके कारण वो जीत रही है। लेकिन मुझे लगता है कि 20 साल के इस कार्यकाल में कहीं ना कहीं अहंकार उनके सर पर हावी होकर बोल रहा है जिसके कारण वो अब अपनी मर्यादा को छोड़कर है ना तानाशाह के रूप में व्यवहार करने लगी है जबकि आपको बता दिया जाए कि ये गणतंत्र है डेमोक्रेसी में तानाशाही नहीं चलती है और तानाशाह को माली समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। टिप्पणी जो मैडम ने लिखी कब लिखी थी? और भाई उन मैडम ने जो पोषाहार वितरण के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता रखी थी करीब 29 तारीख के आसपास में, उसके पश्चात में जब ये इसका वीडियो जारी हुआ वायरल हुआ तो समाज के लोगों को भी पता लगा कि भाई उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी करी है समाज क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग वीडियो वायरल हुआ था कुछ उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री महोदय के लिए ये कहा गया था कि भाई ये चुल्लू भर पानी में डूब मरे इस प्रकार की जो अभद्र और असंसदीय भाषा का जो प्रयोग किया है उन्होंने तो उनको उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। 20 साल का उनका अनुभव है तो भाषा की मर्यादा और भाषा की पराकाष्ठा उनको पता होनी चाहिए कि एक बार जो शब्द मुंह से निकल जाए उसको वापस लिया जाना बड़ा मुश्किल है तो वो लिया ही नहीं जा सकता। मुश्किल क्या है, लिया ही नहीं जा सकता, लेकिन वो जिस प्रकार से उन्होंने बोला है और उनकी जो बोलने की जो शैली है वो दोनों ही बड़ी निंदनीय है। ठीक है, आपका नाम? वीरेंद्र सिंह चौहान।